सो कुकिंग विद पिंकी में आपका स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं राज कचौरी। तो आइए सबसे पहले राज कचौरी के लिए आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए लिया है हमने 1 कप मैदा, 1/4 कप सूजी और 2 पिंच मीठा सोडा और पानी। तो ये बाउल में हमने मैदा और सूजी को छान लिया है और ये मीठा सोडा डालना है इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पूरी जैसा आटा बना लेना है इसका। तो ये आटा हमारा तैयार हो चुका है। तो ये हमने एक कढ़ाई में ऑयल गरम करने रख दिया है राज कचौरी सेकने के लिए। इधर हम राज कचौरी बना लेते हैं। इसमें से छोटी छोटी लोइयां बना के तो ये सारी लोइयां हमने बना ली हैं। अब क्या करना है, एक कपड़े से इसको ढक देना है लोइयों को और एक लोई ले लेनी है और इसको बेलना है। ये राज कचौरी बेल के तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसके अंदर राज कचौरी डालेंगे। और इस तरह से इसको दबाते हुए सेकना है और इसको पलट देना है और गैस स्लो कर लेनी है। हमारी राज कचौरी फूल के तैयार हो चुकी है, ये सीख चुकी है, इसको निकाल लेते हैं। बाकी की राज कचौरी भी इसी तरह से सेक लेते हैं। तो ये सारी राज कचौरी हमारी सीख के तैयार हो चुकी है। अब इनको 1-1.5 घंटे बाद हम स्टफिंग इसके अंदर भरेंगे, तब तक इनको रेस्ट करने देते हैं। तो ये हमने इसमें होल कर लिया है, देखो कितना क्रंची है। और अब इसके अंदर छोले, राजमा और चने। और ये थोड़ा सा दही, चटनी, आप इसके अंदर जो दही बड़े वाले बड़े होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं और थोड़ा सा नमक, थोड़े से चने और थोड़ी सी मूंग और थोड़ा सा आलू, आप जितना मर्जी भर सकते हैं इसको। तो हमारी राज कचौरी बनके रेडी हो चुकी है, बनाइए खाइए और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू।